Assalamu alaikum. Mera naam Dr. Tayyab Mohyuddin hai. I'm an interventional cardiologist. Mera taluk Lahore se hai. King Edward Medical College se graduation ke baad meri zyada formal training America mein hui. Maine apni internal medicine residency case Western Reserve University Cleveland Ohio se ki. America mein maine Medical College of Wisconsin mein as assistant professor in internal medicine kaam kiya. इसके अलावा मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ह्यूस्टन में भी आल्सो एज क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर इन कार्डियोलॉजी काम किया. इसके अलावा मैं वहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस में भी ह्यूस्टन में 5 साल रहा. उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने मुल्क वापस आना चाहता हूँ, यहाँ पर अपने शहर लाहौर में काम करना चाहता हूँ. इस वक्त मैं नेशनल हॉस्पिटल में एज इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ. इसके अलावा मैं सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी और मेडिसिन भी हूँ. बहुत सारी सिचुएशंस और कंडीशंस हैं जिनमें पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट को देखता है. कार्डियोलॉजिस्ट चूँकि दिल का डॉक्टर है, दिल के आर्जे का इलाज करता है, उसमें नंबर वन कंडीशंस हैं कॉरनरी आर्टरी डिजीज़ या इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जिसमें दिल की शरियानों की तंगी हो जाती है और उसके जो सिम्टम्स हैं वो एंजाइना या छाती में दर्द आने की सूरत में है, सांस फूलने की सूरत में है, जबड़े में दर्द और बाजू में दर्द आने की सूरत में भी है. इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें दिल का पट्ठा कमज़ोर हो जाता है और इसकी सूरत में मरीज़ को सांस ज़्यादा चढ़ता है, लेटने में दुश्वारी होती है, टांगों में सूजन आ जाती है. इसके अलावा मज़ीद बहुत सारी और कंडीशंस हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन तमाम मार्ज़ों का इलाज कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं. जिन बीमारियों का इलाज कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं उनमें दिल में शरियानों में तंगी होना, जिसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं. नंबर दो, दिल के पट्ठे का कमज़ोर होना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. नंबर तीन, दिल की धड़कन का इरेगुलर या स्लो हो जाना, जिसको हम एरिथमिया कहते हैं. इसके अलावा ब्लड प्रेशर का इलाज, कोलेस्ट्रॉल का इलाज. इसके अलावा बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अगर टांगों में या दूसरी किसी शरियानों में या गर्दन की शरियानों में तंगी आ जाए या गुर्दे की शरियानों में तंगी आ जाए तो उसकी भी ब्लॉकेज का इलाज कार्डियोलॉजिस्ट कर सकते हैं. जब मैं अमेरिका से पाकिस्तान मूव हुआ तो जहाँ पे हमने बीमारी की एक मुख्तलिफ नौयत यहाँ पे देखी, उसमें एक ये देखी कि यहाँ पे बहुत सारे यंग एज में नौजवानों में ये बीमारी, जिसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहती है, या हार्ट अटैक होना बहुत कॉमन है. और इसकी नंबर वन वजह इस वक्त पाकिस्तान में जो मैंने नोटिस किया है वो तंबाकू नोशी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारी खुराक बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो गई है. आप बाहर गली मोहल्लों में देखेंगे तो बहुत सारे फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स खुल गए हुए हैं. दे नेसेसरी डोंट नीड टू बी अ बिग फास्ट फूड इंटरनेशनल चेन. बहुत सारी छोटी को बिरयानी की दुकान खुल गई है, कोई और छोटी छोटी दुकानें खुल गई हुई हैं जो कि बहुत चीप फ्लेवरफुल फूड प्रोवाइड करती हैं, बट दैट नॉट नेसेसरली मीन्स कि वो सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड है आपके लिए. इसके अलावा असाबी तनाव का होना, बाहर सड़कों पर ट्रैफिक, जॉब का ना मिलना, महंगाई बेतहाशा, ये सारी चीज़ों का मुकम्मल अमैलगम करें तो ये ज़्यादा हार्ट अटैक की तरफ हार्ट अटैक का तनासब बढ़ा रही है और सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट यंग मेल नौजवान में है. हार्ट अटैक का जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो छाती में दर्द, चेस्ट पेन है, काफ़ी सीवियर चेस्ट पेन है. इसके अलावा और भी सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें सांस का फूलना, पसीना आना, कै आनी, लेफ़्ट बाजू में दर्द होनी, जबड़े में दर्द होनी. ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स वुड इंडिकेट दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के मरीज को हार्ट अटैक का मर्ज लाहक हो रहा है. फर्स्ट एड की सिचुएशन में उसको डिस्प्रीन की गोली दें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको करीबी तरीन अस्पताल ले जाएँ जहाँ पर उसकी ECG हो सके. ECG जो है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं. ये दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है. इसमें 12 लीड्स यूज़ करती हैं, 6 छाती पर लगती हैं और 6 आपके टांगों और बाजुओं पर लगती हैं और ये हमें बताती है कि दिल में इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो कैसे है. इससे काफ़ी चीज़ों की तशख़ीस हो सकती है. एक तो हमें पता चलता है कि दिल में बिजली का फ़्लो कैसे है, जिससे हमें कोई एबनॉर्मल रिदम, जिसको एरिथमिया कहते हैं, दिल की धड़कन का तेज़ या स्लो होने का पता लगता है. इसके अलावा इससे हमें हार्ट अटैक की निशानदेही होती है. ECG में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जब पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा हो, जिसकी सूरत में, एक बड़े हार्ट अटैक की सूरत में उसको हम ST एलिवेशन MI कहते हैं, जिसमें वो सर्टन सेगमेंट ऑफ द ECG जिसको ST कहते हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाता है. बहुत सिंपल टेस्ट है, बहुत सस्ता टेस्ट है और बहुत रेडिली अवेलेबल है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. एको टेस्ट उसके मुकाबले में उतना रेडिली अवेलेबल नहीं है, बट
हमें बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है. एको इज एसेंशियली एन एकोकार्डियोग्राम विच वी यूज द अल्ट्रासाउंड टू लुक एट द हार्ट. उसमें हमें हार्ट के मुख्तलिफ खाने, जिस तरह हमें पता है कि जी हार्ट के चार खाने हैं, चार चेंबर्स हैं, दो ऊपर दो नीचे, उनमें ब्लड का फ्लो कैसे है, क्या किसी वैल्व की तंगी है या नहीं है. अब वैल्व से मुराद शरियान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है लोग कहते हैं जी मेरे वैल्व से तंगी आ गई. दैट डज नॉट मीन कि आपकी शरियान में तंगी है. वैल्व इज समथिंग दैट कम्युनिकेट्स जो हार्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक. इसके अलावा आपको हार्ट के पट्ठे का फंक्शन उससे पता लग जाता है, एको से दिल के बढ़ने का पता लग जाता है, दिल का साइज बढ़ा हुआ है नहीं, और इसके कोई, जिस तरह ECG की तरह इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. सो बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड टेस्ट एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. दोनों की अपनी जगह ज़रूरत है, वन कैन नॉट रिप्लेस ईच अदर, और दोनों, बोथ ऑफ देम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. एंजियोग्राफी का जो प्रोसीजर है, एंजियो मीन्स इट्स अ लैटिन वर्ड, मीन्स ब्लड वेसल, ग्राफी मीन्स टू लुक एट समथिंग. तो एंजियोग्राफी का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर है जिसमें आप दिल की शरियानों को डाई दे के देखते हैं कि उसमें किस हद तक तंगी है या नहीं. और एंजियोप्लास्टी है कि तंगी की सूरत में आप उसी शरियान में बलून डाल के उस शरियान को खोल दें, और बाद में वादजा उसके अंदर एक स्टेंट इम्प्लांट किया जा सकता है ताकि तंगी को मुकम्मल तौर पे दूर कर दिया जाए. स्टेंट जो है ये एक मेटल का ऑब्जेक्ट है, इसको मुख्तलिफ मेटल से बनाया जा सकता है. शुरू में जब स्टेंट्स आए थे तो स्टेनलेस स्टील जैसे एक सिंपल मटीरियल से बनते थे. अब जैसे जैसे वक्त बदलता गया उसमें कोबाल्ट क्रोमियम टाइप और प्लैटिनम टाइप मटीरियल्स यूज़ हो रहे हैं. ये एक बलून के ऊपर माउंटेड होता है, एक तार के ऊपर डाल के शरियान के अंदर ले आया जाता है, और जब बलून इन्फ्लेट होता है तो वो स्टेंट को शरियान की दीवारों के साथ लगा देता है, और जो ब्लॉकेज है वो पिचकी हुई ब्लॉकेज है वो स्टेंट के पीछे दब के खुल जाती है. इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक फिनोमेना कि मैकेनिकली आपने एक तंगी, रुकावट या ब्लॉकेज को कैसे दूर करना है. दो किस्म के स्टेंट्स दुनिया में पाए जाते हैं, एक बेयर मेटल स्टेंट है और एक ड्रग एलूटिंग स्टेंट है. अब बायोअब्सॉर्बेबल स्टेंट्स भी अवेलेबल हो गए हैं. बेयर मेटल स्टेंट वो थे जिन पे दवा का ना लगाया, शुरू में दवाई नहीं लगाई जाती थी. दिस वाज बिफोर जब स्टेंट्स नए नए आए थे. नुकसान ये था कि विद द पीरियड ऑफ टाइम जिन लोगों को शुगर, ज़ियाबतिस का मर्ज़ हो, जो तंबाकू नोशी का मुसलसल इस्तेमाल करते रहे, तो इन स्टेंट्स में भी तंगी आ जाती थी. उसके बाद जो ये तंगी आने का फिनोमेना है इंस्टेंट रीस्टेनोसिस, उसके लिए स्टेंट्स के अंदर कुछ दवाएं जिसमें पैक्लिटेक्सल, सेरोलिमस, एवरोलिमस, मुख्तलिफ दवाइयाँ लगाई गई, और ड्रग लूटिंग स्टेंट्स के तौर पे ये आई मार्केट में, और इनके रिजल्ट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और इसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन तक स्टेंट्स आ गई हुई हैं. एंजियोप्लास्टी का जो प्रोसीजर है उसमें यह है कि एक शरियान में तंगी थी और हमने उसको खोल दिया, तंगी को मैकेनिकली. अब यह तंगी दो सूरत में आती है. एक तंगी आती है हार्ट अटैक की सूरत में कि पेशेंट आया, छाती में शदीद दर्द थी और वो शरियान 100% बंद थी, जिसकी सूरत में हम प्राइमरी PCI करते हैं, जाके पेशेंट को यकदम हार्ट अटैक के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम ले जाते हैं. ये फैसिलिटी नेशनल हॉस्पिटल में 24 घंटे मौजूद है. दूसरा पेशेंट है जो हमें क्लिनिक में दिखाने आता है या हॉस्पिटल में दाखिल होता है, जो कहता है जी डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ तो छाती में दर्द आती है, पसीना आता है, जबड़े में दर्द होती है, ये स्टेबल एंजाइना की सिचुएशन है. इसका इलाज दवाइयों से भी मुमकिन है और स्टेंट से भी मुमकिन है और बाईपास से भी मुमकिन है. इसी मौजू पे आगे चलते हुए आई वुड रियली लाइक टू एम्फसाइज एंड यूज़ दिस प्लेटफॉर्म दैट आई वुड नॉट एम्फसाइज एनी मोर कि ये जितनी बीमारी है जिसके मुतलिक मेजॉरिटी पेशेंट्स के सवाल हमें आ रहे हैं जी एंजियोप्लास्टी से मुतलिक, कि जी स्टेंट सही डला है, नहीं डला है, कौन सा स्टेंट डला है, किस किस्म का स्टेंट डलवाएं, महंगा डलवाएं, सस्ता डलवाएं, गलत स्टेंट डाल दिया है कि ये 10 रुपये का स्टेंट बनता है या 10 लाख रुपये का बनता है. देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बीमारी इज़ टोटली प्रिवेंटेबल. It's 100% preventable disease. There are certain things which we cannot modify. हमारी मौरूसियत है, जो मेरे वालदैन ने मुझे जीन्स दी, आपके वालदैन ने आपको जीन्स दी, उसको हम नहीं तब्दील कर सकते. बट तंबाकू नोशी, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल, हमारी खुराक, रेगुलर एक्सरसाइज, असाबी तनाव को कम करना, ये काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में है, चाहे हम उसको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके करें, दवाइयाँ करके करें. अगर ये तमाम रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाइड या कंट्रोल रहते हैं तो चांसेस आर कि यू मे नॉट डेवलप दिस डिजीज़. एंजियोग्राफी की एलिजिबिलिटी में नंबर वन तो ये है कि पेशेंट की कार्डियक कंडीशन क्या है, क्या उसको एंजाइना का मर्ज लाहक है, छाती में दर्द होती है, वो चलता है, क्या उसका पहले कोई नॉन इन्वेसिव टेस्ट जिसमें ETT, थैलियम स्कैन या CT एंजियोग्राफी अब नॉर्मल आई है. तो एक कंडीशन तो है हार्ट की तरफ से कि जी इज दिस पेशेंट कैन अंडरगो
एंजियोग्राफी सेफली और नॉट। इसके अलावा बहुत सारी और कंडीशंस हैं, जिस तरह अगर गुर्दों का आर्जा है, गुर्दों का मसला लाहक है, तो चूंकि एंजियोग्राफी में डाई दी जाती है जिसका गुर्दों पे असर आ सकता है, तो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। अगर तो हार्ट का मसला इतना शदीद नहीं है जो कि हमें थैलियम स्कैन या ETT या एको से कुछ अंदाज़ा हो जाता है, तो फिर हम उसका दवाइयों से इलाज करते हैं कि हमें डर होता है कि डाई देने से गुर्दे को ख़तरा लाहक होगा। इस सूरत में हम जो गुर्दों के डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट उनके साथ तामन से काम करते हैं। इसके अलावा हार्ट की कुछ दवाइयाँ हैं जो कई दफ़ा एस्थमा को एग्जैजरबेट कर देती हैं, उसके लिए हम पल्मोनोलॉजिस्ट से मशवरा कर लेते हैं या वो दवाइयाँ अवॉइड करते हैं। तो कोई ऐसा एक पेशेंट नहीं जिसको हम कहें कि जी आपके लिए एंजियोग्राफी ही सबसे अच्छा टेस्ट है, या कोई ऐसा पेशेंट नहीं जिसको हम कहें आप एंजियोग्राफी ना करवाएं। दिस इज़ ऑल रिस्क वर्सेस बेनिफिट के किसको किस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा है या वो फ़ायदा पहुँचाते हुए कितना नुकसान हो सकता है, उसकी रेशो देखते हुए डॉक्टर पेशेंट से डिस्कस करके आगे टेस्ट की तरफ जाता है। नींद की सूरत में जो कहता जी सोते सोते सो गया या पेशेंट की स्लीप में डेथ हो गई, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह उसमें हार्ट अटैक भी है कि ऐसा कोई साइलेंट हार्ट अटैक आया कि पेशेंट नहीं जाग सका या अल्लाह का निज़ाम ऐसा था कि उसको उस टाइम तकलीफ़ नहीं हुई। दूसरा यह है कि एरिथमिया हुआ और सडन कार्डियक डेथ हो गई, कि दिल की धड़कन बंद हो गई। मोस्टली ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम पहले चल रहा होता है, दिल का पट्ठा वीक होता है, उनको पहले हार्ट अटैक की कंडीशन होती है। एक और सिचुएशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसमें क्लॉट का टांग से टूट के ऊपर जाके फेफड़े को लगना भी पॉसिबल है। अगेन उसमें भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जो पेशेंट जिसको किसी को कैंसर का मर्ज लाहक हो या किसी की कोई हड्डी टूटी हुई है तो वो चल फिर नहीं सकता। टांग में क्लॉट के बनने की नंबर वन वजह इमोबिलिटी है या खून का गाढ़ा होना है। अब वो इमोबिलिटी चाहे हड्डी टूटने की वजह से है या वो पेशेंट बिल्कुल ही बिस्तरे पे बैठ गया है अपनी किसी और माजूरी की वजह से, किसी और डिसेबिलिटी की वजह से, या खून का गाढ़ा होना को मौरूसी वजह है या खून का गाढ़ा होना कैंसर की वजह है, उस सूरत में क्लॉट टांग में बन के टूट के ऊपर जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म की सिचुएशन बना सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म है जो क्लॉट टांग से टूटा, वो सर्कुलेशन वीनस सर्कुलेशन जो दिल की तरफ गंदा खून लेके जाती है उसमें गया, ये दिल के दाएं हिस्से की तरफ जाती है और दिल का दायां हिस्सा खून पंप करता है लंग्स को ताकि वो खून साफ होके वापस आए। तो ये खून का जो ये क्लॉट है, जो खून का लोथड़ा है जिसको हम क्लॉट कहते हैं, ये राइट साइड की सर्कुलेशन में लंग्स की तरफ जाने से पहले उस सर्कुलेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डेथ भी हो सकती है। पेसमेकर जो है वो एक बैटरी है जो दो तारों के थ्रू या एक तार के थ्रू दिल के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। ये उन पेशेंट्स को दरकार होती है जिनके दिल की धड़कन बहुत स्लो हो जाए। इसमें मेजॉरिटी वो पेशेंट्स हैं जो उम्र रसीदा, जो बुज़ुर्ग पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र 70, 80, 90 साल तक चली जाती है, तो वही जो दिल की तारें जहाँ बिजली का निज़ाम अल्लाह ने बनाया था वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है और उसके साथ साथ बिजली बनना कम हो जाती है। इस सूरत में दिल की धड़कन बहुत स्लो हो जाती है, हार्ट रेट जो नॉर्मली 60 से 100 के दरमियान होना चाहिए वो 40 या 30 से कम आ जाता है। कई दफ़ा पेशेंट बेहोश हो सकते हैं, कई दफ़ा पेशेंट्स को चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं। इस सिचुएशन में हम हार्ट में एक तार डाल के या दो तारों के थ्रू पेसमेकर इम्प्लांट कर देते हैं। ये प्रोसीजर हम रूटीनली नेशनल हॉस्पिटल में परफॉर्म करते हैं। कैथ लैब में एंजियोग्राफी की तरह ही होता है और 1 से 2 घंटे का प्रोसीजर है। अगर आपको दिल के आर्जे के मुतल्लिक, दिल की किसी भी तकलीफ़ के मुतल्लिक, जिसमें एंजाइना, शरियानों की तंगी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, टांगों की शरियानों की तंगी, पेसमेकर, बाईपास, स्टेंट के मुतल्लिक कोई सवाल हो, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझसे राब्ता कर सकते हैं। उस पर मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और ईमेल भी दिया होगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस।